बिहार में चुनाव भले ही संपन्न हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक खेल अभी शुरू हुआ है। आए दिन सियासी पारा चढ़ता ही चला जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। एक ओर महागठबंधन हार के भी हार मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ NDA लगातार महागठबंधन पर गलत तरीके से राजनीति करने का इल्जाम लगा रही है। कल ही एक्स डिप्टी CM यानी कि सुशील मोदी ने रात 9 बजे एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में वो लालू प्रसाद यादव पर क्लेम करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो NDA के विधायकों को फोन करके फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सुशील कुमार मोदी उस नंबर को भी सार्वजनिक करते हैं जिनसे उनकी बात लालू प्रसाद यादव से होती है, और वो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल में भी मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। साथ ही सुशील कुमार मोदी ये भी कहते हैं कि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे, इस तरह की गंदी राजनीति करना छोड़ दे। जिस पर RJD जवाब ये देती है कि सुशील कुमार मोदी बौखला गए हैं, क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, साथ ही मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, तो वो खबरों में बने रहने के लिए ये कर रहे हैं। अब सुबह से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में लालू प्रसाद यादव NDA के एक विधायक से बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप स्पीकर पद के लिए जो चुनाव होना है उसमें मत जाइए और कह दीजिए कि मुझे कोरोना हो गया है। आप सुनिए इस ऑडियो क्लिप को जो तेजी से सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हेलो, हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं? उनका PA बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी रुक जाइए सर, एक मिनट रुक के लाइन दे रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा जी। हेलो जी, प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं जी। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका, ठीक है? खुश रहे, खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा, ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी, आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है? ठीक, एब्सेंट हो जाओ। तो आपने सुना, इस ऑडियो पर साफ तौर पर सुना जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव विधायक जी को ये कह रहे हैं कि आप स्पीकर पद के चुनाव के लिए मत जाइए और कह दीजिए कि मुझे कोरोना हो गया है या मैं बीमार था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये खबर सच होने वाला है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। बहरहाल इसरो की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।